गुड मॉर्निंग। आज है पहला दिन, पहला साल, हैप्पी न्यू ईयर। सो मैंने आपको बोला था, कम्युनिटी अपडेट किया था, मैं वहीं जा रहा हूँ व्लॉग करने के लिए, आप सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं बस में, वहीं आएंगे, आप देखना जरूर। बस से तो उतर गए, हम जा रहे हैं लेजर वैली पार्क। कार्निवाल है बहुत बड़ा, मेला स्टार्ट नहीं हुआ अभी। हमारे भैया ऑर्डर लेके आए हैं जोमेटो से, और हमने जोमेटो में ऑर्डर किया था ना मैकडी का, तो ये हमारे भैया ऑर्डर लेके आए हैं। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रेटिंग बढ़िया देंगे आपको। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हमने कार्निवल में जैसे ही एंटर करी ना, तो स्टार्टिंग में अच्छा लगा था हमें। पता है क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हमें तो कुछ खास लगा नहीं। एंट्री करती है हमारे को एक अंकल मिले जो कि भविष्य बताते हैं, वो भी 100 रुपये से लेके कहते हैं तुम्हारा फेस रीडिंग करेंगे, तुम 100 रुपीज़ दो। मैंने कहा नहीं अंकल, हम पहले घूमते हैं फिर आते हैं। मतलब कि यार 100 रुपये में कौन ही अपना भविष्य देखेगा भाई। मैं तो अंदर चला गया घूमने, और अफ़गानिस्तानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे। ओवरऑल ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था, बट अच्छा लगा था। अगर यहाँ पे नाइट में आप आओ तो डीजे बहुत बढ़िया बजेगा, और यहाँ पे मैंने सुना है इवेंट्स भी होते हैं, नाइट इवेंट्स। यानी कोई अरिजीत सिंह आ गया, या कोई एक्टर आ गया, कोई सिंगर आ गया, वो यहाँ पे गाने सुनाता है। मतलब कि इवेंट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं इनके, बट रात को होते हैं यार, दिन में कुछ नहीं था। मतलब कि यार जितने की भी मैं एक्सेप्ट कर रहा था ना, जो भी मुझे लगा नहीं कि ऐसे ही होगा, बट कुछ खास लगा नहीं। सो व्लॉग को एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर देना यार, मेरा तो मूड ख़राब हो गया। और प्लीज़ और मत करना यार सब्सक्राइब करके, मेरा मूड बढ़िया कर दो।